सो वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके सो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट लिए थे बिजनेस मॉडल रिगार्डिंग, ठीक है, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट है टेकिंग द परसेंटेज, ओके, और टेक द परसेंटेज फ्रॉम द बिजनेस मॉडल, ठीक है। तो मीन्स जो भी हम प्रोडक्ट सेल करेंगे मार्केट में, ठीक है, तो उससे हम जो भी प्रॉफिट गेन करेंगे, ठीक है, तो उसके रिलेटेड कुछ चीज़ें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट जो है, इन एग्जाम्पल ऑफ सेंसर नेटवर्क, इफ द वैल्यू ऑफ द डेटा गैदर्ड एक्सीड्स द कॉस्ट ऑफ फिजिकल सेंसर डिवाइस, यू माइट बी एबल टू प्रोवाइड दैट फिजिकल प्रोडक्ट फॉर फ्री, ठीक है। अगर आप कोई डिवाइस या प्रोडक्ट बना रहे हो जिसमें सेंसर नेटवर्क यूज़ होता है, ठीक है, तो सेंसर नेटवर्क हमें पता है कि एनवायरमेंटल डेटा को सेंस करेगा, तो एक तरह का वो क्या होगा, डेटा डेटा गैदर करेगा, ठीक है, एंड वो डेटा वो क्या करेगा, कंट्रोलर को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। बट जो डेटा वो गैदर कर रहा है उसका भी एक कैपेसिटी होगा, ठीक है, तो अगर उस कैपेसिटी से अगर बहुत सारा डेटा वहाँ पे मिलता है सेंसर से या प्रोसेस होता है, ठीक है, तो इन दैट कंडीशन यू माइट बी एबल टू फ्री द दिस फिजिकल डिवाइस टू द कस्टमर, ठीक है। तो जो फिजिकल डिवाइस आप यूज़ करने के लिए, मीन्स जो प्रोडक्ट आप कस्टमर को दे रहे हो, ठीक है, तो वो आप उसको फ्री में दे सकते हो एंड डेटा का चार्ज आप ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसमें जो डेटा आ रहा है, ठीक है, वो एक लिमिट के बियॉन्ड जा रहा है, ठीक है, तो आप डेटा के लिए चार्ज कर सकते हो वहाँ पे एज अ परसेंटेज, ठीक है। सो दैट इज़ द वन मॉडल। देन सेकंड वन, यू कुड ऑल्सो लिंक द डिवाइसेस टू एडवर्टाइज टू रिड्यूस द प्राइस, ठीक है, तो आप ये जो डिवाइसेस है, ठीक है, तो इनका प्राइस कम करने के लिए आप एडवर्टाइजमेंट भी उसमें कर सकते हो, लाइक दैट। नेक्स्ट पॉइंट इज, इवन विदाउट चार्जिंग द एंड यूज़र ऑफ द इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइस, देयर विल बी अ मेनी ऑप्शन टू मेक अ प्रॉफिट, ठीक है, मीन्स जो एंड यूज़र या कस्टमर है, ठीक है, तो उनसे आप चार्ज ना लेके अलग अलग ऑप्शन भी है जिससे आप प्रॉफिट उसमें निकाल सकते हो इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइसेस से, दैट विल बी अ एड रिवेन्यू, ठीक है, तो आप ऐड कर सकते हो उसका, जैसे यूट्यूब पे ऐड कर सकते हो, फेसबुक पे ऐड कर सकते हो, ठीक है, और ऐड से भी आप रिवेन्यू वहाँ से ले सकते हो। देन पेमेंट फॉर डेटा सर्विसेज, जैसे अभी हमने देखा कि जो भी डेटा है वो एक्सीड हो रहा है, ठीक है, जो भी लिमिट आप दे रहे हो उससे ज़्यादा डेटा वहाँ पे गैदर हो रहा है, तो जो डेटा है तो डेटा के लिए आप चार्ज कर सकते हो डेटा सर्विसेज के लिए, ठीक है, फ्रॉम द कंपनीज और स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, और कमीशन फॉर डेटा बैंडविड्थ, ओके, तो जो चैनल रहेगा मीन्स डेटा ट्रांसमिशन के लिए, तो उस बैंडविड्थ का भी आप चार्ज ले सकते हो कंपनी से, ऑर्गेनाइजेशन से, लाइक दैट। तो ये सब जरिए कि आप इससे आप प्रॉफिट इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइसेस से यहाँ से ले सकते हो, लाइक दैट, ठीक है। तो जैसे बहुत सारी मोबाइल कंपनीज या टेलीकॉम कंपनीज हैंडसेट पहले फ्री देती थी, ठीक है, क्योंकि वो हैंडसेट फ्री देने के बाद आप यूज़ करोगे, उनकी सर्विसेज यूज़ करेंगे, तो सर्विसेज का आपसे कॉस्ट लेंगे, ना कि हैंडसेट का आपसे कॉस्ट लेंगे, फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैसे टाटा इंडिकॉम पहले लैंडलाइन जो फ़ोन था उनका, तो वो फ़ोन फ्री ऑफ चार्ज देती थी, बट उसका जो सर्विस है, बिलिंग है, ठीक है, तो उसमें वो प्रॉफिट कमाती थी, हैंडसेट का कोई चार्ज नहीं या लैंडलाइन का कोई चार्ज नहीं है जो बॉक्स आता था, बट सर्विसेज का चार्ज वो कस्टमर से ले रही थी, लाइक दैट। तो इसी में आपका जो फिजिकल डिवाइस है आप फ्री में दे सकते हो यूज़ करने के लिए, आप फ्री में दोगे तो मीन्स कस्टमर उसको यूज़ करेगा तो उसके जो सर्विस चार्ज है, ठीक है, या डेटा चार्जेस है, ठीक है, तो वो आप लाइक वो आपको पे करेगा, ठीक है। तो वैसे ही इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बहुत सारे ISP जो है वो जो वाईफाई राउटर है उसका इंस्टॉलेशन फ्री में करके देते हैं, ठीक है, उसका कोई चार्ज नहीं लेते डिवाइस का, बट वो जो आपको सर्विस देंगे, इंटरनेट आपको प्रोवाइड करेंगे, तो दैट इज़ चार्जेबल ऑन मंथली बेसिस और इन 6 मंथ और ईयरली बेसिस, आप उनके अलग अलग सब्सक्रिप्शन पैक वहाँ पे ले सकते हो, बट वो जो डिवाइस आपके यहाँ लगेगा मीन्स जो राउटर एंड उसके लिए जो उनका केबलिंग लगेगा, तो वो कॉस्ट कस्टमर से नहीं लेंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इंस्टॉल करके देंगे, इंस्टॉलेशन चार्ज भी आपसे नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि क्या है, वो जो सर्विस प्रोवाइड करेंगे डेटा की, डेटा आप यूज़ करोगे तो डेटा से उनसे अल्टीमेटली उनको सब्सक्रिप्शन मीन्स अमाउंट रिसीव होगा, ठीक है, सो दैट इज़ द प्रॉफिट। तो दैट इज़ द एग्जांपल, रियल एग्जांपल, ठीक है। तो इस तरह से आप बिजनेस मॉडल से यू कैन टेक द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट।
ठीक है, तो प्रॉफिट आपका परसेंटेज में होता है, ठीक है। मीन्स आप सपोज 100% वहाँ पे यूज़ कर रहे हो, तो उसमें से 10% 5% कितना आपको वहाँ से गेन चाहिए बिजनेस से, लाइक दैट। तो प्रॉफिट हमेशा बिजनेस में परसेंटेज में कैलकुलेट होता है, ऐसा नहीं कि 100% पे 100% प्रॉफिट, इस तरह से बिजनेस में नहीं होता है, ठीक है। तो उसमें जो भी आपका कॉस्टिंग लगा हुआ है, जितना आपका खर्चा हुआ है, ठीक है, उसके अलावा 5% 10% प्लस 15% प्लस, लाइक दैट। तो इसी तरह से प्रॉफिट गेन किया जाता है बिजनेसेस में। ओके, सो दैट इज़ द सिनेरियो इन टेकिंग द परसेंटेज फ्रॉम द बिजनेस मॉडल। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फंड्स फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स स्टार्टअप, ठीक है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो प्रोजेक्ट्स है, ओके, या जो प्रोडक्ट्स है, उसे स्टार्टअप करने के लिए इनिशियल अमाउंट लगेगा, ठीक है। जैसे कंपनी स्टार्ट करने के लिए इनिशियल अमाउंट लगता है, अलग अलग जो सेगमेंट्स रहेंगे, ठीक है, जैसे वहाँ पे जगह लगेगा, मैन पावर लगेगा, ठीक है, रॉ मटेरियल लगेगा प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए, तो ये सब चीज़ों के लिए एक फ़ंड रिक्वायरमेंट रहेगा। तो वो फ़ंड कहाँ से आएगा, फ़ंड कहाँ से रेज करेंगे, ठीक है, तो उसके क्या क्या तरीके हैं, अलग अलग फ़ंड किस तरह से अरेंज होगा मार्केट से, तो उसका हमें डिटेल स्टडी करना है ये सेगमेंट में, ठीक है। सो देर आर फोर वेज टू रेज द फंड फॉर द इंटरनेट ऑफ थिंग स्टार्टअप प्रोजेक्ट। सो फर्स्ट वन इज़ द हॉबी प्रोजेक्ट्स एंड ओपन सोर्स, सेकंड इज़ द वेंचर कैपिटल, थर्ड वन इज़ द गवर्नमेंट फंडिंग एंड फोर्थ वन इज़ द क्राउड फंडिंग। सो दीज आर द फोर वेज टू रेज द फंड फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग स्टार्टअप, देन विल सी वन बाय वन। सो फर्स्ट टॉपिक इज़ द दैट इज़ द इंट्रोडक्शन, हाउ वी कैन रेज द फंड फॉर दिस इंटरनेट ऑफ थिंग स्टार्टअप। सो देर विल बी मोस्ट लाइकली बी अ पीरियड वेन यू हैव ओनली कॉस्ट एंड नो इनकम, ठीक है। तो सबसे पहले कॉस्टिंग के बारे में यहाँ पे सोचना पड़ेगा, ना कि इनकम के बारे में, ठीक है। मिस कितना कॉस्ट लगेगा पर्टिकुलर स्टार्टअप ओपन करने में या स्टार्ट करने में, ठीक है, IoT प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। देन आफ्टर दैट द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू गेट द इनिशियल फंडिंग इज़ अ क्रिटिकल वन। तो सबसे मेन क्रिटिकल प्रॉब्लम है कि कितना कॉस्ट लगेगा स्टार्टअप ओपन करने में, ठीक है, और इनिशियल फंड कहाँ से हम अरेंज करेंगे। तो उसके अलग अलग तरीके जैसे हमने लिस्ट में देखा अभी, ठीक है, बट ये इतना इजी नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आपको मीन्स बहुत अलग अलग फेजेस में ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। सो इफ़ यू हैव इनफ पर्सनल मनी टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर न्यू इंटरनेट ऑफ थिंग्स स्टार्टअप फुल टाइम, यू कैन फंड योर बिजनेस योर सेल्फ। तो एक तरीका ये है कि आपके पास ही इतना पैसा है, ठीक है, कि आप अपना खुद का इंटरनेट ऑफ थिंग का जो स्टार्टअप प्रोजेक्ट है या जो आपके माइंड में आइडिया है वो फुल टाइम आप खुद ही स्टार्टअप करो, तो दैट इज़ अ बेटर, तो आपका खुद का बिजनेस होगा। ओके, तो आपको ज़रूरत नहीं किसी को भी इन्वेस्टर को उसमें एंगेज करने की, तो आप आपका खुद ही स्टार्टअप कर सकते हो, सो दैट दैट इज़ अ बेटर थिंग। तो ये वे ये हो सकता है, ठीक है। सेकंड वन, फॉर अदर्स देर आर स्टिल वेज टू किक ऑफ अ प्रोजेक्ट, ठीक है। नहीं तो आपको फिर आपका जो आइडिया है वो डिस्कस करना पड़ेगा बाकी लोगों के साथ, इन्वेस्टर के साथ, ओके, या मर्चेंट्स के साथ, तो वो लोग आपके इसमें अगर इंटरेस्टेड है तो वो पैसा उसमें इन्वेस्ट करेंगे आपके स्टार्टअप में, लाइक दैट। इफ़ इनिशियल स्टेजेस डोंट रिक्वायर अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी, योर टाइम विल बी द मेन लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है। अगर आपके प्रोजेक्ट में ज़्यादा कॉस्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है इनिशियली, ठीक है, तो उसमें आपका एक एडवांटेज ये है कि आपका टाइम वहाँ पे बचेगा, ठीक है। इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड टू वर्क फुल टाइम ऑन योर न्यू प्रोजेक्ट, पर हैव यू कैन स्पेयर अ डे इन द वीकेंड और सेवरल इवनिंग्स आफ्टर वर्क, ठीक है। अगर आपके इसमें अगर फुल टाइम काम करने की ज़रूरत नहीं प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है, तो आप वीकेंड में भी कर सकते हो, जैसे संडे हो गया या सैटरडे संडे हो गया, ठीक है, इस तरह से आप आपके प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो अगर फुल टाइम रिक्वायरमेंट नहीं है नए प्रोजेक्ट में, या जो भी आप प्रोजेक्ट या स्टार्टअप कर रहे हो वो आप वर्क वीकेंड में भी कर सकते हो, सैटरडे संडे या हॉलीडेज में। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शन, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट, मेनी पीपल ट्राई टू कंबाइन स्टार्टअप विद द
कंसल्टेंसी बिजनेस प्लानिंग टू टेक शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स विच सपोर्ट द फॉलोइंग पीरियड ऑफ फ्रेंटिक स्टार्टअप वर्क। ठीक है, तो एक कंसल्टेंसी के साथ भी टाई अप कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स कॉम्बिनेशन विद द कंसल्टेंसी बिजनेस, ओके, एंड शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट पे भी आप उस पर काम कर सकते हो। नेक्स्ट वन, मेक श्योर दैट यू डोंट नीड टू स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑन द स्टार्टअप इज़ अ की। ठीक है, तो स्टार्टअप बिजनेस में आपको ज़्यादा अमाउंट वहाँ पे स्पेंड नहीं करना है, यानी खर्चा नहीं करना है, क्योंकि वो अभी स्टार्टअप है। तो जितना कम से कम अमाउंट उस बिजनेस में हम पुटअप कर सकते हैं, सो दैट इज़ बेटर फॉर यू। ओके, सो दीज आर द सम पॉइंट्स रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, यू प्रोबेबली डोंट नीड एन ऑफिस इन एन अर्ली स्टेजेस एंड परहैप्स यू डोंट नीड एक्सपेंसिव चेयर्स। ओके, तो जैसे अभी आप प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो, मीन स्टार्टअप प्रोजेक्ट है, अगर उसमें पहले ही ऑफिस की ज़रूरत नहीं अर्ली स्टेज में, ठीक है, जैसे आप घर से भी काम कर सकते हो फॉर एग्जांपल, सो दैट इज़ बेटर। जैसे उसके लिए आप रेंट पे अर्ली स्टेजेस में ऑफिस लेने का ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे आपका कुछ अमाउंट या कॉस्टिंग बच जाएगा। ठीक है, अगर है तो वहाँ पे आप एक्सपेंसिव फर्नीचर, चेयर्स, टेबल्स, तो इसमें कॉस्टिंग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो उससे पहले आप जो भी रिक्वायरमेंट है, रॉ मटेरियल, ये बाकी चीज़ों में आप आपका जो कॉस्टिंग है, अमाउंट है, वो खर्चा करो। ठीक है, ये स्टेजेस हम बाद में भी हम ये स्टेजेस इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लाइक ऑफिस एंड देन ऑफिस में जो भी फर्नीचर है, लाइक दैट। देन वी स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप, दैट इज़ हॉबी प्रोजेक्ट्स एंड ओपन सोर्स। दैट इज़ द वन ऑफ द फंड रेजिंग फॉर दिस इंटरनेट ऑफ थिंग्स स्टार्टअप प्रोजेक्ट। सो इन दैट, इफ योर प्रोजेक्ट इज़ ऑल्सो योर हॉबी, you may have no extra cost than what you will be spend away on your free time activity. अगर आप जो project बना रहे हो उसी में आपको interest है, means आपका hobby है वो, okay, आपके hobby पे ही आप उसको as a business बनाना चाहते हो, so that is a better and that doesn't needs a extra cost, क्योंकि आपका वो hobby है। ठीक है, hobby है तो आप उसमें already पैसा वहाँ पर spend कर ही रहे हो। ठीक है, so that is a free time activity for you। ठीक है, इस आपने आपके हॉबी को ही उसमें कन्वर्ट कर दिया है एज अ बिजनेस मॉडल में। वन वे टू मेक अ प्रोजेक्ट दैट ग्रो फास्टर माइट बी अ रिलीज ऑल द डिटेल्स एज अ ओपन सोर्स एंड ट्राई टू फॉस्टर अ कम्युनिटी अराउंड इट। तो एक तरीका ये, आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसको फास्टली इम्प्लीमेंट करना है, तो आप उसे एज अ ओपन सोर्स रिलीज कर सकते हो ऑनलाइन। ठीक है, तो जैसे हमने ओपन सोर्स एंड क्लोज सोर्स का टॉपिक लिया था, ठीक है, लास्ट यूनिट में, तो उससे क्या होगा, आप कम्युनिटी से जुड़ सकते हो जो ओपन सोर्स कम्युनिटी है। ठीक है, एंड दे कैन हेल्प यू टू ग्रो योर बिजनेस। ठीक है, सो दिस अप्रोच कैन बी हार्ड वर्क एंड कैन बेनिफिट फ्रॉम नेचुरल टैलेंट, एक्सपीरियंस और लक अट्रैक्टिंग एंड मेंटेनिंग द गुड कोलैबोरेटर्स। ठीक है, तो आपके जो आइडिया या आपका जो प्रोडक्ट है, अगर आप ओपन सोर्स रिलीज करते हो तो उसमें जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी में अलग अलग एक्सपर्ट्स है, ठीक है, या यंग या नेचुरल टैलेंट है, ठीक है, तो उनसे आप हेल्प ले सकते हो। मीन्स वो जो एक्सपीरियंस पर्सन्स है, तो उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से वो आपको वहाँ पे हेल्प करेंगे टेक्निकली, ठीक है, या फाइनेंशियली। अगेन जो नेचुरल टैलेंट, यंग टैलेंट है, ठीक है, तो उसका भी आप उसमें आपके प्रोजेक्ट में वहाँ पे हेल्प ले सकते हो एंड कोलैबोरेशन में काम कर सकते हो आप। मीन्स आप इंडिविजुअल ना होके उनके साथ कोलैबोरेशन करके आपका जो बिजनेस मॉडल है उसका आप ग्रोथ कर सकते हो, लाइक दैट। आफ्टर यू हैव ओपन सोर्स अ प्रोजेक्ट, यू कैन नॉट क्लोज सोर्स इट अगेन। ठीक है, अगर आपने एक बार उसके ओपन सोर्स वहाँ पे प्रोड्यूस कर दिया है, ठीक है, तो आप उसको क्लोज सोर्स नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि उसमें अलग अलग लोग या एक्सपर्ट एक्सपीरियंस पर्सन उसमें एंगेज होंगे, सो यू कैन नॉट मेंटेन इट एज अ क्लोज सोर्स आफ्टर दैट। नेक्स्ट वन, यस, यू कैन प्रोबेबली फोर्क द प्रोजेक्ट एंड कंटिन्यू टू वर्क ऑन इट्स सीक्रेट्स, बट द एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट मे कैरी ऑन इफ यू कोलैबोरेटर आर एंथुजियास्टिक इनफ अबाउट इट। ठीक है, तो प्रोजेक्ट में जो भी कोडिंग या हार्डवेयर आप यूज़ करोगे, ठीक है, तो वो जो पार्ट्स है या कॉम्पोनेंट्स है या जो भी सॉफ्टवेयर या जो प्लेटफॉर्म पर आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो आप उसको एज अ सीक्रेट रख सकते हो। ठीक है, then careful consideration of the license which is used is a critical here.
अ मोर रिस्ट्रिक्टिव लाइसेंस मच एज जीपीएल रिक्वायर्स दोज हु बिल्ड ऑन योर वर्क टू शेयर दिस सोर्स कोड ऑल्सो द अंडर द सेम टर्म्स। ठीक है, तो आप उसमें जो लाइसेंस वर्जन सॉफ्टवेयर्स अगर आप वहाँ पे यूज़ करते हो, ठीक है, सो इन दैट कंडीशन जो भी सोर्स कोड होगा आपका, सो दैट हैज़ अ रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, जैसे विंडोज़ अगर लाइसेंस वर्जन है, ठीक है, तो आप उसको पायरेट मीन्स कॉपी मल्टीपल कॉपीज़ में किसी को दे नहीं सकते हो, क्योंकि वो लाइसेंस वर्जन है, एक ट्रेडमार्क है लाइक दैट। तो वैसे ही आपका अगर प्रोजेक्ट है, अगर आपने कोई लाइसेंस वर्जन सॉफ्टवेयर वहाँ पे यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो देयर आर रिस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग द सोर्स कोड। व्हेन थिंकिंग अबाउट ओपन सोर्स रिमेंबर दैट एज द प्रोजेक्ट इनिशिएटर एंड ओनर यू विल बी द बेस्ट प्लेस इन फॉर्मिंग अ कंपनी अराउंड द प्रोजेक्ट। ओके, अगर आप वही जो प्रोजेक्ट है आपका अगर ओपन सोर्स डिक्लेयर करते हो, तो मीन्स यहाँ पे आप प्रोजेक्ट इनिशिएटर एंड ओनर हो, ठीक है, उस प्रोजेक्ट के, एंड दैट विल बी द बेस्ट प्लेसिंग इन फॉर्मिंग द कंपनी एंड द प्रोजेक्ट। ठीक है, एंड विद एंड गेट द बेनिफिट्स फ्रॉम द और रिलेशनशिप विद द कम्युनिटी। ठीक है, तो अगर आप उसको ओपन सोर्स डिक्लेयर करते हो, तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि वी कैन कोलैबोरेट विद द कम्युनिटी, ठीक है, तो कम्युनिटी का हमें हेल्प मिलेगा एंड अ बेटर रिलेशनशिप विल बी डेवलप बिटवीन दिस कम्युनिटी एंड द यू यू एज अ प्रोजेक्ट इनिशिएटर एंड ओनर। मीन्स आपका प्रोजेक्ट है, आप उसमें इनिशिएटर हो, आपका जो आइडिया है, बट कोलैबोरेशन में यहाँ पे काम होगा। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द हॉबी प्रोजेक्ट्स एंड ओपन सोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमने हॉबी प्रोजेक्ट्स के बारे में देखा, एंड आफ्टर जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए वो रिगार्डिंग दिस ओपन सोर्स। सेकंड टाइप इज फॉर द फंड राइजिंग इन इंटरनेट ऑफ थिंग्स स्टार्टअप विल बी द वेंचर कैपिटल। ओके, इन दैट फर्स्ट पॉइंट इज गेटिंग फंडिंग फॉर अ प्रोजेक्ट फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वेस्टर प्रेजेंट इट्स ओन वर्क एंड रिस्क। ठीक है, तो मीन्स क्या करेंगे, हमारे पास जो आइडिया है इंटरनेट ऑफ थिंग्स स्टार्टअप के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, वो हम एक्सप्लेन करेंगे इन्वेस्टर को। ठीक है, मीन्स जिनके पास एक्स्ट्रा अमाउंट है या जो जनरली इन्वेस्ट करते हैं कंपनीज में टू गेट द प्रॉफिट फ्रॉम दैट प्रोडक्ट। ठीक है, तो उनको हमारा जो वर्क है, जो आइडिया है, वो एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, देन स्टार्टअप ऑफन कॉन्सेंट्रेट देयर फंड रेजिंग एक्टिविटीज इन टू द राउंड्स पीरियड्स इन विच दे डेडिकेट मच ऑफ देयर एफर्ट्स इन टू राइजिंग अ टारगेट अमाउंट ऑफ मनी ऑफन फॉर डिफाइंड स्टेप इन देयर बिजनेस प्लान। ठीक है, तो ये जो स्टार्टअप्स के लिए फंड रेजिंग एक्टिविटीज़ है इन टू द राउंड्स और द पीरियड्स, ठीक है, सो दैट रिक्वायर्स द एफर्ट्स इन टू द राइजिंग अ टारगेट अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, जैसे अभी आपको सपोज 5 करोड़ का रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा, मीन्स आपको इतने इन्वेस्टर वहाँ पे पुटअप करने पड़ेंगे, उनको आपका वर्क पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, फिर वो आपके इस पे कितना अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, तो उससे आपको एक टोटल अमाउंट या टारगेटेड जो मनी है फॉर योर रिक्वायरमेंट्स, ओके, फॉर द प्रोजेक्ट, वो आपको वहाँ पे पता चलेगा। ठीक है, सो इट हैज़ द सम स्टेप्स, देन बिफोर एनी ऑफिशियल फंडिंग अराउंड कम्स द इनफॉर्मल आइडिया ऑफ द फ्रेंड्स फैमिली एंड फूल्स दैट इज FFF राउंड। ठीक है, तो जो भी ऑफिशियल फंडिंग है दैट कम्स अराउंड द इनफॉर्मल आइडिया ऑफ फ्रेंड्स, मीन्स आपके दोस्तों से, फैमिली से, रिलेटिव से, ठीक है, लाइक दैट, देन दिस स्टेज में बी द वन ऑफ इन विच यू हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड यूर लाइफ सेविंग्स एंड यूर बेस्ट फ्रेंड्स एंड द लोकल स्मॉल बिजनेस टू द पिच इन द रेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ यूर रेपुटेशन। ठीक है, तो एक तरीका ये है कि आप दोस्तों से भी पैसा उठा सकते हो। ठीक है, अगर आपका रेपुटेशन से मार्केट में, तो लोकल बिजनेसमैन जो है, ठीक है, तो उनसे भी आप पैसा रेज कर सकते हो, उनको आपका आइडिया एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, अगर उनको उसमें इंटरेस्ट है, तो वहाँ से भी आप फंड रेज कर सकते हो, ये भी एक तरीका है। ठीक है, बट दैट रिक्वायर्स द रेपुटेशन। ठीक है, आपका रेपुटेशन होगा मार्केट में, तभी वहाँ से पैसा आपको जनरेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज अ कॉमन नेक्स्ट स्टेप विल बी द एंगल राउंड। ठीक है, सो द सो कॉल्ड एंगल्स आर यूजली इंडिविजुअल इन्वेस्टर ऑफन एंटरप्रेन्योर एंड देमसेल्फ हु आर विलिंग टू फंड सम
अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स विच आर मोर फॉर्मल इन्वेस्टर, ठीक है। तो नेक्स्ट इज द सो कॉल्ड एज अ एंजल्स, मीन्स एंजल इन्वेस्टर, इनको एंजल इन्वेस्टर कहा जाता है, ठीक है। जो भी इन्वेस्टर आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगा, सो दे आर कॉल्ड एज अ एंजल इन्वेस्टर, ओके, हु आर विलिंग टू फंड सम अर्ली स्टेज स्टार्टअप, ठीक है। सो दे आर मोर फॉर्मल इन्वेस्टर, मीन जो लोग ये नए जो स्टार्टअप्स हैं, ठीक है, तो उनमें इन्वेस्ट करते, तो उनको एंजल इन्वेस्टर कहा जाता है। इन शॉर्ट, थॉट एंजल्स टेक अ लॉट ऑफ रिस्क इन इन्वेस्टिंग सो अर्ली बिफोर कंपनीज हैव प्रूव देम सेल्फ, दे टेंड टू इन्वेस्ट अ नंबर ऑफ कंपनीज टू स्प्रेड द रिस्क, ठीक है। तो ये जो एंजल इन्वेस्टर है, ठीक है, ये उनके रिस्क के ऊपर आपके कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है वो अभी मार्केट में सेल आउट नहीं हुआ है, फ्यूचर में उसका क्या वैल्यू होगा ये टोटली डिपेंड्स, मीन्स इट इज़ ऑन द रिस्क, ठीक है। किसी को नहीं पता है क्योंकि अभी स्टार्टअप ही नहीं हुआ है, तो मीन्स किस तरह से उसका रिस्पॉन्स मिलेगा मार्केट में ये नहीं पता है, तो टोटली रिस्क पे ये एंजल इन्वेस्टर आपके कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो उस रिस्क को कम करने के लिए वो क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टार्टअप्स में वहाँ पे पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सपोज उनके पास 5 करोड़ है, ठीक है, तो आप ही के स्टार्टअप में 5 करोड़ इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हो सकता है वो 5 अलग अलग स्टार्टअप में 1 करोड़ इन्वेस्ट करें, अलग अलग, मीन्स रिस्क को क्या कर दिया उसमें मिनिमाइज। तो हो सकता है 5 स्टार्टअप में से 3 या 4 स्टार्टअप में अच्छा रिस्पॉन्स मिले, उनको प्रॉफिट हो, ठीक है, एक में हो सकता है नुकसान, ठीक है। बट ऐसा तो नहीं होगा कि 5ों स्टार्टअप में नुकसान हो जाए। अगर इसके अगेंस्ट सिर्फ आप ही के स्टार्टअप में पैसा पुटअप किया और आपका स्टार्टअप नहीं चला, रिस्पॉन्स नहीं आया, तो उनका पूरा पैसा डूब जाएगा एक ही इसमें, मीन्स रिस्क को क्या उन्होंने मैनेज किया है। सो दे आर द एंजल इन्वेस्टर एंड दे यूजली वॉन्ट इक्विटी इन योर कंपनी, अ परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ द कंपनी दैट विल पे बैक देयर इन्वेस्टमेंट इफ एंड वेन यू डू वेल, ओके। तो ये क्या करेंगे, आपकी जो कंपनी है उसमें उनका परसेंटेज रहेगा, ठीक है, मीन्स पार्टनरशिप, अगर वो आपको पैसा दे रहे इन्वेस्टर, एंजल इन्वेस्टर, ठीक है, तो आपकी कंपनी के जो शेयर्स है इक्विटी के, तो वो उनके पास होल्ड रहेंगे, मीन्स उन जितना वो पैसा आपके स्टार्टअप में पुटअप कर रहे उतने परसेंट के वो आपके इसमें इन शॉर्ट ओनर्स होंगे, ठीक है। तो जैसे आपके कंपनी का ग्रोथ होगा या प्रॉफिट होगा, तो उसमें से उनके परसेंटेज के हिसाब से वो उनको आपको पैसा देना पड़ेगा, मीन्स प्रॉफिट में से, लाइक दैट, ठीक है। और जब भी वो इन्वेस्टमेंट आपके कंपनी से निकालना चाहते हैं, तो उनको उतने उतना अमाउंट आपको पे आउट करना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से। सो दे आर द एंजल इन्वेस्टर, सो दैट इज कॉल्ड एज अ वेंचर कैपिटल। नेक्स्ट टाइप ऑफ फंड रेजिंग टेक्निक इज अ गवर्नमेंट फंडिंग, ठीक है। सो गवर्नमेंट टिपिकली वॉन्ट टू प्रमोट द इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन देयर कंट्री एंड दे मे प्रोवाइड अ फंड टू हेल्प टू अचीव द पर्टिकुलर एम्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी अलग अलग स्कीम्स है, तो वहाँ से भी आप फंड रेज कर सकते हो, लाइक जो इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स है कंट्री में या स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है, स्टेट्स में, तो उनके अलग अलग स्कीम है, तो उसका आप फ़ायदा उठा सकते हो। दैट विल प्रोवाइड द फंड फॉर योर प्रोजेक्ट्स, सो द मनी प्रोवाइडेड स्टिल हैज़ अ स्ट्रिंग अटैच, बट दे आर लाइकली टू बी हैंडल्ड डिफरेंटली, ठीक है। तो उसके जो आउटपुट्स है, दैट इज डिलीवरेबल आर द मेट्रिक्स दैट अवॉर्डिंग बॉडी मे यूज टू टेल इफ दे आर डूइंग द काइंड ऑफ थिंग दैट द बॉडी वॉन्ट्स टू फंड, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट का बॉडी होगा, ठीक है, एक टीम होगा, ठीक है, तो वहाँ पर आपका जो आइडिया है स्टार्टअप का, तो उनको आपको एक्सप्लेन करना है, अगर उनको उसमें इंटरेस्ट है या उसमें उनको फ्यूचर दिख रहा है, उसमें ग्रोथ हो रहा है, होगा आगे चल के आपके प्रोडक्ट में, ठीक है। तो उसके लिए आपको जो भी फॉर्मेलिटीज़ है, डॉक्यूमेंटेशन है, वो सब उनको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है, तब आपको गवर्नमेंट के स्कीम के अंडर फंड वहाँ पे आपके स्टार्टअप के लिए अवेलेबल होगा, मीन्स मिलेगा, ठीक है। सो यू योर फंडिंग इज़ गिवन इन स्टेजेस, द लैटर पेमेंट्स मे बी कंडीशनल ऑन सक्सेसफुल डिलीवरी ऑफ प्रीवियस आउटपुट्स, ठीक है। तो अभी ये गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट के अलग अलग फेजेस में, स्टेजेस में आपको अमाउंट मिलेगा या फंड मिलेगा, ठीक है। तो उनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, उस हिसाब से आपको स्टेजेस में वहाँ पे फंड मिलते जाएगा, ठीक है।
जैसे फर्स्ट स्टेज में आपको स्टार्टअप के लिए मिला है, मीन्स इक्विपमेंट परचेस करने हैं, ठीक है, उसके लिए मिला है फॉर एग्जांपल। नेक्स्ट फंड अगर आपको वहाँ पे मैन पावर इंक्रीज़ करना है या प्लांट आपको प्रोडक्शन प्लांट को इंक्रीज़ करना है, ठीक है, तो उसके लिए फ़ंड चाहिए। बट उसके लिए पहले आपको जो भी उनके टर्म्स एंड कंडीशंस है, ठीक है, फर्स्ट स्टेजेस के, अगर वो आपके फुलफिल हो रहे, ठीक है, तो ही आपको सेकंड स्टेज का अमाउंट मिलेगा फंड का, लाइक दैट, ठीक है। तो इसके अलग अलग स्टेजेस है अकॉर्डिंग टू द डिलीवरी ऑफ प्रीवियस आउटपुट्स, ठीक है। देन स्पेंडिंग द कंस्ट्रेंट, सम फंडिंग में रिक्वायर टू स्पेंड अ पोर्शन ऑफ मनी ऑन मनी ऑन फॉर एग्जाम्पल बिजनेस कंसल्टेंसी और वेब डेवलपमेंट, पर हैव्स द फंड फैसिलिटेटर कंपनी और द एसोसिएट, ठीक है। तो वो इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगे कि जो फंडिंग गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है तो उसमें से कुछ पोर्शन ऑफ जो मनी है, ठीक है, वो आप कुछ चीज़ों पे ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट बॉडी की तरफ से होगा, ठीक है। तो लाइक दैट, तो वैसे ही आपको अपने कंपनीज में अलग अलग सेक्शन में उसका पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा जो भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा, इन शॉर्ट। ओके, सो गवर्नमेंट विल हाउएवर ट्राई टू स्प्लिट देयर पॉट्स ऑफ मनी टू द फंड द आउटकम्स दैट दे आर इंटरेस्टेड इन एज अ पॉलिसी। तो उनका जैसे पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस है, अकॉर्डिंग टू दैट आपको वो जो फंडिंग प्रोवाइड करेंगे उसको स्प्लिट अप करना पड़ेगा, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में या अलग अलग सेक्शंस में। आफ्टर ऑल आफ्टर द प्रोडक्ट इज प्रूवन द कंपनी शुड बी एबल टू अफोर्ड टू फंड इट बाई इट सेल्फ और द गेट वीसी फंडिंग। ओके, अगर आपका कंपनी या स्टार्टअप जो भी वो सक्सेसफुल हो गया है, ठीक है, मीन्स वो बिजनेस चल रहा है स्मूथली, तो उसके बाद आप वेंचर कैपिटल से, जैसे हमने अभी सेशन में देखा कि वेंचर कैपिटल में जो भी इन्वेस्टर है आप वहाँ से फंड रेज कर सकते हो, तो उसके बाद उनका हेल्प आप ले सकते हो, ठीक है, एक बार आपका बिजनेस टोटल सेटअप हो गया है, लाइक दैट। सो इट इज़ परफेक्टली नॉर्मल फॉर कंपनीज टू वर्क थ्रू मल्टीपल सोर्सेज ऑफ फंडिंग, ठीक है। तो एक जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है वो मल्टीपल फंडिंग्स ले सकती है, लाइक क्राउड फंडिंग, गवर्नमेंट फंडिंग या वेंचर कैपिटल, ठीक है, इस तरह से। देन नेक्स्ट फंड राइजिंग टेक्निक इज अ क्राउड फंडिंग। सो इन दैट वी कैन थिंक ऑफ क्राउड फंडिंग एज अ लॉन्ग टेल ऑफ फंडिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। गेटिंग मेनी पीपल टू कॉन्ट्रीब्यूट टू अ प्रोजेक्ट इज़ नॉट एग्जैक्टली अ न्यू फिनोमिनो। तो ये एक नया फिनोमिनो है फॉर राइजिंग द फंड, दैट इज़ अ क्राउड फंडिंग, मीन्स हम पब्लिक से यहाँ पे फंड उठाएंगे इन आवर प्रोजेक्ट। ओके, सो हाउएवर सच प्रोजेक्ट हैव बीन मोस्टली स्पॉन्सर एंड गिवन फोकस ऑन सम इन्फ्लुएंशियल पर्सन और बॉडी, ठीक है। तो ये मोस्टली जो प्रोजेक्ट्स रहेंगे ये स्पॉन्सर प्रोजेक्ट रहेंगे, ठीक है। तो इसमें इंडिविजुअल पर्सन और एक जो पूरा बॉडी है, ठीक है, तो वो वर्क करेगा, ठीक है। तो इसमें इन्फ्लुएंस हो सकता है एक पर्टिकुलर पर्सन का, पर्टिकुलर या पर्टिकुलर बॉडी का आपके प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है, क्योंकि वो पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं एज अ क्राउड फंडिंग। बिकॉज इवन सम सक्सेसफुल फंडेड प्रोजेक्ट मे फेल, ओके, ओल्डर एंड वाइजर क्राउड फंडर्स मे बी मोर लाइकली टू फंड प्रोजेक्ट्स इन विच दे सी सम अटेंशन टू द बिजनेस मॉडल और ट्रैक द रिकॉर्ड फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन बाय द प्रोजेक्ट टीम, ठीक है। आवर फंडर्स आर रियल पीपल एंड विल हैव ऑल द वराइटी ऑफ कंसर्न दैट एनी ग्रुप ऑफ रियल पीपल हैव। ओके, तो जो आपको फंडर्स मीन्स फंड प्रोवाइड करेंगे दे आर द रियल पीपल, ठीक है, एंड दे विल हैव ऑल द वराइटी ऑफ कंसर्न दैट द एनी ग्रुप ऑफ रियल पीपल हैव, ठीक है। सो दिस इंट्रैक्शन विज अ लार्ज एंड डाइवर्स ग्रुप इज़ अ की पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द मेथड ऑफ फंडिंग। सो इट इज़ फार मोर देन जस्ट अ मनी। सो क्राउड सोर्सिंग अलोज यू टू नो द कस्टमर इंटरेस्ट इन योर प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्राउड सोर्सिंग से आपको एक, या क्राउड फंडिंग से आपको एक फ़ायदा ये होगा कि जो कस्टमर का इंटरेस्ट है आपके प्रोडक्ट में, ठीक है, तो वो भी आपको यहाँ पे पता चलेगा, ठीक है, क्योंकि आप क्राउड सोर्सिंग, क्राउड से ही पैसा ले रहे हो, पब्लिक से ही पैसा ले रहे हो, ठीक है। तो उससे आपको पता चलेगा कि पब्लिक का इंटरेस्ट कितना है आपके प्रोजेक्ट में या प्रोडक्ट में, ठीक है। इफ द प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट गोज वायरल एज हैपन्स ओकेजनली एंड द गेन्स फार मोर देन द टारगेटेड अमाउंट। तो ये भी हो सकता है कि आपका अगर प्रोजेक्ट वायरल हो गया, ठीक
ठीक है, उसका बहुत ऐड हो गया है, बहुत लोगों को पता है, और वैसा ओकेजनली हो भी सकता है, ठीक है। तो आपको जितना अमाउंट चाहिए टारगेटेड, उससे ज़्यादा अमाउंट पब्लिक से मिलेगा। सो दैट इज़ ऑल्सो बेनिफिट इन दिस क्राउड फंडिंग। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। ओके, सो थैंक यू।